कोरोना की लड़ाई के चलते जहां एक ओर पूरा देश एकजुट है, वहीं ऐसे में कोरोना के बढ़ते आक्रमण के कारण आज राशन डीलर एसोसिएशन ने ज्ञापन अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को सौंपा है। राशन डीलर ने प्रशासन से उचित मांग करते हुए कहा कि उनके मुताबिक राशन की सप्लाई के दौरान भारी मात्रा में लोग बाग राशन की दुकानों पर आते हैं, जिस दौरान दुकानदारों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके तहत ही आज राशन डीलर एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा और उसमें तमाम डीलरों का लाइफ इंश्योरेंस और पीपीई किट मुहैया कराने की मांग की गई। राशन डीलरों द्वारा कहा गया कि अगर आगामी 10 मई तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम अपना इस्तीफा सरकार को सौंप देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन से उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय सह सचिव। सर, आज आपने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, आज देश जिस वायरस से गुजर रहा है, दुनिया जिस वायरस से प्रेरित है, हम लोग सरकार से अपनी कोई पर्सनल मांग मांगने के लिए नहीं आए, ना अपने कमीशन बढ़ाने के लिए, ना कुछ करने के लिए। हम सिर्फ सरकार से कुछ चंद मांगे मांगने के लिए आए हैं कि देश के 3 सिपाही सरकार ने नियुक्त कर दिए, पहले मेडिकल सेवा वाले डॉक्टर, दूसरे हमारे पुलिस फोर्स और तीसरे सफाई कर्मचारी, इन सबको 50-50 लाख के बीमा श्रेणी के अंदर वो लेकर के आए हैं। हम भी तो रोज महीने में इस बार 2-2 बार वितरण कर रहे हैं, हजारों पब्लिक से रोज मिल रहे हैं और वितरण कर रहे हैं, सरकार हमारे साथ अनदेखी क्यों कर रही है? हमने सिर्फ सरकार से पहली मांग ये की है कि हमें भी इस बीमा पॉलिसी के अंदर लेकर के सरकार आए। क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे ये है कि सरकार ने जो 50 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी के अंदर 3 लोग लेकर के आए हैं, 3 कर्मचारी और 3 कैटेगरी को, चौथी कैटेगरी हमारी पीडीएस सिस्टम के कर्मचारियों को लेकर के वह आए। और दूसरी हमारी जो मांग है वो कोटेदारों के लिए कि जब हम वितरण करते हैं और मशीन के ऊपर अंगूठा थंब प्रेशर लगाते हैं, हमें सरकार डॉक्टरों की तरह पीपीए किट दे, क्योंकि हम महीने में 2 बार 800-2000 कार्डधारियों से पर्सनल हमारा पकड़ करके उंगली से अंगूठा लगाना मशीन के ऊपर होता है। अगर ऐसे में कोई संक्रमण आदमी आ गया तो वो संक्रमण हमें भी हो जाएगा और साथ साथ हम अपने परिवार को भी उस जोखिम में डाल देंगे। देश हित में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम हर चीज के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को मशीन का कोई विकल्प मशीन के लिए मैंने पिछली बार भी पिछली तारीख 30 तारीख को मैंने सरकार को यहां से ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को, एसडीएम साहब के माध्यम से, अपने सभी उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हमने खाद्य हित को भी कहा था कि इस मशीन से संक्रमण का खतरा फैलने का बहुत ज्यादा है, सरकार जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है महीने 2 महीने जब तक के लिए इस मशीन को बंद कर दे, क्योंकि अगर पहला आदमी ही इस मशीन के ऊपर अंगूठा लगा करके खाद्यान्न लेकर चला गया, उसके बाद जितने भी आदमी इसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे, कोटेदार और स्वयं वो सब आदमी उसी चीज से पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन सरकार हमारी मांगे मांगने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो है घटतौली। अगर कोई राशन डीलर घटतौली करता है तो मैं कहता हूँ सरकार से, ऐसी आपदा के समय सरकार उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपकी मांगे नहीं मानी गई, आगे का स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, हमने सरकार को 10 तारीख तक इस ज्ञापन में अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 मई तक सरकार ने अगर ये बातें हमारी नहीं मानी तो हम सभी कोटेदार अपनी मशीनें और अपना इस्तीफा सरकार को सौंप देंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां हमारे परिवार की भी सुरक्षा ना हो, जहां हमें कुछ मिल ना रहा हो, मिलना तो छोड़िए, हमारी जान की भी सेफ्टी सरकार ना सोच रही हो, हम ऐसे काम को नहीं करेंगे। हालांकि राशन डीलरों द्वारा की गई मांग जायज भी है, क्योंकि राशन की दुकान पर हर रोज कई ग्राहक आते हैं, इस लिहाज से राशन डीलर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, जिसकी रोकथाम के लिए पीपीई किट प्रशासन को मुहैया कराई जानी चाहिए या अन्य कोई दूसरा विकल्प रखना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।